हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो एक स्टेशन पे कौन कौन सा सिग्नल होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, उसको हम आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा सिग्नल होता है वो होम सिग्नल होता है। होम सिग्नल में जो पहला जो बत्ती होता है वो रेड होता है, रेड का सिंबल ये है, और दूसरा जो बत्ती होता है येल्लो होता है, और तीसरा जो होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। ये जो होता है, यदि दो है तो तीन लाइन होगा इस स्टेशन पे, यदि यहाँ पे चार रहेगा तो पांच लाइन स्टेशन पे होगा, इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद एक परमिसिव सिग्नल होता है जो पी मार्कर बोर्ड रहता है, इसको दूसरा नाम डिस्टेंस से जानते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला येल्लो रहता है, दूसरा वाला आपका ग्रीन होता है, तीसरा वाला डबल येल्लो रहता है, ठीक है। ये जो कि इसका नॉर्मल एस्पेक्ट जो होता है येल्लो होता है, और मेन लाइन स्टार्टर जो होता है इसका जो होता है ये नॉर्मल में ये पहले रेड रहता है, ये नॉर्मल में रेड रहता है, उसके बाद येल्लो रहता है, उसके बाद ये ग्रीन होता है, यानी मेन लाइन का जो स्टार्टर रहेगा उसमें देखेंगे तो तीन बत्ती होगा, ठीक है। लूप लाइन का जो होता है उसमें एक होगा येल्लो, फर्स्ट वाला रेड रहता है और सेकंड वाला येल्लो रहता है इसका जो लूप लाइन स्टार्टर होता है। और उसके पास एक एडवांस स्टार्टर का जो होता है, एडवांस स्टार्टर जो ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए अनुमति देता है, उसमें फर्स्ट वाला जो रहता है वो रेड रहता है, सेकंड वाला ग्रीन, ग्रीन यानी आप ब्लॉक सेक्शन में इंटर कर रहे हैं। इसको इसको अलग नाम एक और है जो एलएसएस को बोला जाता है, एलएसएस यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल, ठीक है। उसके बाद से इसको एफएसएस बोलते हैं, होम सिग्नल को एफएसएस यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। और ये जो डिस्टेंस सिग्नल है इसका दूसरा नाम होता है परमिसिव, परमिसिव सिग्नल भी बोला जाता है, यानी ये परमिसिव सिग्नल है। इस प्रकार से कुछ एक एक स्टेशन पे मिनिमम होता है। एक और होता है जो सिग्नल होता है उसको बोला जाता है वार्निंग बोर्ड। ये बोर्ड एक प्रकार का सो होता है जो कि इस प्रकार से बना होता है, इसे वार्निंग बोर्ड बोलते हैं। ये वार्निंग बोर्ड होता है जो कि डिस्टेंस सिग्नल से पहले लगा होता है 400 मीटर की दूरी पे, ठीक है। और परमिसिव सिग्नल से यानी डिस्टेंस सिग्नल से होम सिग्नल की दूरी जो होती है वो कम से कम 1 किलोमीटर होता है, कम से कम, नॉट लेस देन 1 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद से एक स्टार्टर और ये लूप लाइन, यानी जैसे मैं एक स्टेशन हो गया, स्टेशन पे एक मेन लाइन होता है, एक लूप लाइन होता है, ठीक है। तो लूप लाइन में जो यहाँ पे लगेगा वो दो दो बत्ती का लगता है, जो मेन लाइन में लगता है वो तीन बत्ती का लगता है, ये ध्यान रखिएगा कभी भी, ठीक है। जब जाएंगे तो एक बार देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए, अलग अलग प्रकार के ज्ञान लेने के लिए, थैंक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।